मैं रविंद्र कुमार गुप्ता, सेक्टर 108 नोएडा से। ये हमने एक ऑक्सीजन बैंक बनाया हुआ है और इस ऑक्सीजन बैंक में हमने मैक्सिमम 3R फार्मूले को यूज कराया है। हर वेस्ट को हमने इसमें यूज करने का प्रयास करा है। रोड साइड से जो मेरे को टूटी फूटी टाइलें मिल जाती थी, उनसे एक ये सुंदर पहाड़ी हमने डेवलप करी है। और यहाँ पर इस ऑक्सीजन बैंक में हमने मैक्सिमम हवा को शुद्ध करने वाले पौधे इसमें हमने लगाए हैं, हवा को शुद्ध करने वाले पौधे। और हर वेस्ट का हमने इसमें यूज करा है। ये देखिए, जो भी मेरे पास पुरानी बोतल होती है, उस बोतल में ये कितना सुंदर हमने चंपा का पौधा लगाया है। इसी तरह ये देखिए, ये पानी की बोतलें हम इनको वेस्ट नहीं फेंकते नहीं हैं, इनको रीयूज करते हैं। क्योंकि इस टाइम प्रदूषण की सबसे ज़्यादा समस्या है, उसके लिए सिर्फ एक ही है वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए कि हम 3R फार्मूला अधिक से अधिक अपनाएं। ये देखिए, जो भी मेरे यहाँ थैली वगैरह आती है, उस प्रत्येक थैली का मैं यूज करता हूँ। इवन देन जो मेरे यहाँ किचन वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट का भी मैं अपने यहाँ वर्मी कंपोस्ट उससे तैयार करता हूँ। हर वेस्ट को देखिए मैंने यूज करने की कोशिश करी है, चाहे कोई बोतल हो चाहे कुछ हो। ये देखिए, ये एक थर्मोकोल का डब्बा था, इसमें मैंने हवा को शुद्ध करने वाला एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स लगाया है। और इस तमाम मेरे ऑक्सीजन बैंक में हवा को शुद्ध करने वाले पौधे हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं। ये ड्राई सीना मेरा लगा हुआ है, ये स्नेक प्लांट है, ये लेमन ग्रास है, और ये एक मैंने छोटा सा पौंड भी बनाया हुआ है, जो इकोसिस्टम है जिसमें मछलियाँ वगैरह भी रहती हैं। इस तरह ये सारे वेस्ट को बहुत, यहाँ पर बच्चे आते हैं, फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, जो है इस तरह ये सारा वेस्ट मैंने हर थैली में कुछ ना कुछ लगाने का प्रयास किया है। ये मनी प्लांट है, ये सिंगोनियम है, और इसी तरह इधर सोंग ऑफ इंडिया है। ये सारे हवा को शुद्ध करने वाले पौधे हैं। ये ऑर्चिड है मेरा, ये भी हवा को शुद्ध करता है। एरिका पाम है, जो कि हवा को शुद्ध करते हैं। अच्छी हुई ये।